कंट्रोवर्सी होगी, हेट कमेंट्स आने वाले हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में मैं बोलूँगा, उनके जो फैंस हैं, उनके जो चहेते हैं, जो उन्हें चाहते हैं, वो लोग मुझे गालियाँ देने वाले हैं, मुझे मालूम है। मगर क्या करूँ, अगर ये बात मैंने नहीं कही, अगर इस बारे में चर्चा नहीं करी, तो मेरे कर्म के साथ गद्दारी होगी। जो कर्म मैं कर रहा हूँ, संगीत की शिक्षा आगे बढ़ाने का, जो अपने गुरुओं से सीखा उसे साझा करने का, सब लोगों तक पहुँचाने का कि संगीत असल में क्या होता है, अगर मैंने आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात आपसे नहीं करी, तो इस कर्म के साथ गद्दारी होगी। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं पहले ही बता दूँ, पहले ही कह दूँ कि मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ, कोई सुरीला आदमी नहीं हूँ, मैं एक संगीत का प्रेमी हूँ, ये समझ लीजिए, पिपासु हूँ। मुझे संगीत, अच्छा संगीत समझने, सुनने और बढ़ाने और प्रचार प्रसार करने की, लोगों तक पहुँचाने की एक बस आकांक्षा रहती है मन में, तो वही मैं करता हूँ। तो कृपा करके मुझे ये मत समझिएगा कि मैं बहुत सर्वज्ञ हूँ जो इन लोगों के मैं बुराइयाँ कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग भी अग्री करेंगे कि जो मैं बातें बताऊँगा वो वाकई सच हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, भला गमों से। स्वर के बारे में जब हम लोग जानने जाते हैं तो स्वर से पहले श्रुति आती है, श्रुति से भी पहले अगर हम जाते हैं तो नाद आता है। नाद यानी ध्वनि, ध्वनि से निकला। और अगर संगीत की किताबों में इसकी परिभाषा पढ़ी जाए तो लिखा हुआ है कि संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं, वो ध्वनि जो संगीत में उपयोग की जा सके। और उसी के साथ साथ किताबों में, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है या गुरु लोग यही बताते हैं कि ध्वनि दो प्रकार की होती है, या तो वो नाद होगी या वो कोलाहल होगी। कोलाहल यानी शोरगुल, यानी कि शोर शराबा, यानी कि नॉइज। एक है मेलेडी, एक है नॉइज। अभी अभी जो आपने शुरुआत में ही जो क्लिप्स सुनी थी, मैं नहीं बोलूँगा, आप ही खुद जज कर लीजिए क्या वो मेलेडी है या वो नॉइज है। मैंने संगीत का अपमान न करने की बात करी है अभी कि डोंट इंसल्ट म्यूजिक। दो चीज़ों पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ, सरस्वती और लक्ष्मी के बारे में मैं बताऊँगा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के बारे में चर्चा करूँगा कि कैसे कला और पैसे का ताल्लुक है, उस पर बात करेंगे। और पहली बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो शोरगुल और नाद पर, मेलेडी और शोर शराबे पर है। संगीत में गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, किसी भी तरह से कोई भी कला हो, संगीत की ही अंदर जो ये कलाएँ आ रही हैं दूसरी जो इसके कैटेगरीज हैं, ये एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स हैं, आपके विचारों की अभिव्यक्ति, जो मनोस्थिति है उसको बयां करना, ये संगीत करता है या कोई भी कला यही करती है। अब उसे बयां करने के सबके अपने अपने तरीक़े होते हैं, सब अपने अपने ढंग से ईश्वर की इबादत करते हैं भाई, है कि नहीं। कोई आरतियां गाता है तो कोई हिमालय चला जाता है, कोई पांडाल लगा के पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक हुजूम बनाता है और एक ही थॉट को सब लोग फॉलो करके संध्याएं होती है, भजन संध्याएं होती हैं, बहुत सारी यू नो गैदरिंग्स होती हैं जो ईश्वर का नाम लेती हैं एक ही जगह पे, कोई वो करता है तो कोई ईश्वर को एकांत में तलाशता है। तो इबादत करने के, पूजा करने के, अर्चना करने के, आराधना करने के सबके अपने अपने तौर तरीक़े हैं, सबके अपने ढंग हैं। कोई शोर गुल से करता है, कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के पुकारता है ईश्वर को, तो कोई अंतर ध्यान करता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कौन सा सही है कौन सा गलत, नहीं तो लोग मुझे कहने लग जाएंगे कि मैं बड़ा सदगुरु हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस तरीके आपके सामने रख रहा हूँ, आप खुद जज कर लीजिए कि कौन सा कौन करता है और कौन सा सही आपको लगता है, कौन सा सही ज़माने को लगता है या कौन सा सही होना चाहिए। ईश्वर को पुकारने के लिए
आडंबर की, जोर जोर से माइक्रोफोन पे बोलने की भी ज़रूरत कुछ लोगों को लगती है, तो कुछ लोग होते हैं जो अंतर ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन करने चले जाते हैं, जो मौन धारण करके ईश्वर को अंदर तलाशते हैं, अंदर की अंदरूनी आवाज़, आंतरिक ध्वनि, आंतरिक नाद, अनहद नाद तक पहुँचते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं और कुछ वो तरीके हैं। अब इसी में आप देखते हैं तो कुछ जो भजन गायक होते हैं वो, जैसे कि पंडित जसराज जी हैं, वो क्लासिकल भजन आपको सुनाते हैं, शास्त्रीय आधारित, जो हवेली संगीत से उन्होंने शिक्षा ली है। तो कुछ उस प्रकार के भजन होते हैं, तो कुछ भजन आप लोग ऐसे देखते हैं जो भजन संध्याओं में होते हैं, जो हमारे हर प्रांत में होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब की बात करूँ, हर प्रांत में, गुजरात की बात करूँ, हर प्रांत में अपने अपने ढंग से भजन होते हैं। माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल होता है, स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है, लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें भजन गाए जाते हैं। सब अपने अपने ढंग से भजन गाते हैं, सारी ढंग की कॉम्पोजिशंस अपनी अपनी होती हैं सबकी। कोई ऊंची गायकी से ईश्वर को प्रसन्न कर रहा है, तो कोई मधुर गायकी से, मधुर आवाज़ से, या शास्त्रीय संगीत रागों का इस्तेमाल करके। अगर आप देखें तो गुरु ग्रंथ साहिब अगर आप उठा के देखें तो उसकी जो गुरबाणियाँ हैं, जो शब्द पढ़ते हैं, वो रागों में हैं। तो कोई उसको मधुर राग में कंपोज करके पढ़ता है, तो कोई कव्वालियों में ईश्वर का चीख के नाम लेता है। ये नहीं कहूँगा कि वो चीख है या शोर है, प्लीज़ मैं ऐसे डिमीन नहीं करूँगा उसको, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आवाज़ में, ध्वनि में, उसकी गायकी में कितना अंतर होता है। एक कव्वाल अगर गाता है और एक भजन अगर गाया जा रहा है पंडित जसराज जी द्वारा, तो सबके अपने अपने तौर तरीके हैं। लेकिन मेरा बस इतना सा सवाल है कि मधुरता और शोर का आपस में क्या ताल्लुक है? क्या कोई चीज़ आप चीख कर जोर जोर से बोलेंगे तब मेलोडी आएगी, या फिर उसे नर्म लहजे में बोलेंगे तब मधुरता आएगी? बस इतना सा सवाल है। गायकी में सुकून होना चाहिए, बेचैनी नहीं होनी चाहिए। बेचैनी अगर हो रही है तो फिर वो कैसा संगीत? बेचैनी आपको लय में मिलती है, जाहिर सी चीज है। जब लय, लयकारी, आड़ी कुआड़ी ऐसे जाती है, जब टेढ़ी लय जा रही है तो शरीर में बेचैनी होती है, अरे हाँ क्या बात है ये ताल से अलग गया। ये बेचैनी संगीत के जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स हैं, अगर उसके आनंद की बात करें तो वो वहाँ मिलती है आपको बेचैनी। लेकिन अगर संगीत के असल मतलब की बात करें तो आपको वहाँ सुकून मिलना चाहिए। कोई गीत सुनकर, कोई गज़ल, कोई भजन, कोई कव्वाली, कुछ भी सुनकर, कोई भी सूफी कलाम सुनकर या कोई भजन सुनकर आपको सुकून मिलना चाहिए, ना कि आपको बेचैनी लगे या मुंह बिगड़े या तकलीफ़ हो आपको। अगर तकलीफ़ हो रही है तो वो कला कैसी फिर? बट ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बोल दिया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका एक्सप्रेशन का अपना तरीका है। आप किसी को ये नहीं कह सकती कि भाई जसराज जी ज़्यादा अच्छे हैं और नुसरत फ़तेह अली खान साहब बुरे हैं। हमें यहाँ बिल्कुल कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं करना है। पहले ही कहा है कि संगीत में कोई कंपैरिजन नहीं होता, सब अपने अपने ढंग से करते हैं, सब विजेता हैं, सब भक्त हैं ईश्वर के, सब भक्त हैं संगीत के, संगीत को देने की कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, सब अपने अपने ढंग से दे रहे हैं। किशोर कुमार साहब ने भी दिया, रफ़ी साहब ने भी दिया, तो आज नेहा कक्कड़ भी दे रही हैं, अरिजीत सिंह भी दे रहे हैं, तो जुबिन नौटियाल भी दे रहे हैं, के ने भी दिया था, तो हर कोई, सलीम सुलेमान साहब दे रहे हैं, रहमान साहब का भी अपना म्यूजिक है, तो सब अपने अपने ढंग से अपना म्यूजिक प्रेजेंट कर रहे हैं। बॉलीवुड की अगर एग्जांपल मैंने अभी यहां लिया है तो सब अपने अपने ढंग से गा रहे हैं। तो मैं किसी को बुरा, छोटा, बड़ा, ऊंचा नीचा किसी को नहीं कह रहा हूं, बट सिर्फ इतनी सी बात है कि क्या शोर गुल संगीत है? क्या जोर जोर से तबला पटकना, कुछ भी बजाना उस पर, हाथ को कहीं भी मारना, कोई निकास नहीं है, कोई ये नहीं है कि भाई ये तिन का साउंड आना चाहिए या ये ता का साउंड है या ये धा का साउंड है या ये एक ठेका है, ये एक ताल है, कहीं भी कुछ भी कभी भी बजा देना, क्या ये संगीत है? क्योंकि आम जन को तो मालूम चल नहीं रहा ना, आम इंसान को कौन सा संगीत आता है? आप उसके सामने कुछ भी दावड़ दावड़ दूबड़ दावड़ कुछ भी बजा दो, उसे लोगे अरे यार क्या बात है, बड़े बड़े बाल हैं, बस सर हिला के और एकदम ऐसे 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 कर दिया तो ये तो संगीत हो गया। क्या ये संगीत है? क्या ये शोर गुल, क्या ये बेचैन कर देने वाला, या ये तबला पीट पीट के बजाने वाला, मार मार के जोर जोर से ऊपर ऊपर से बजाने वाला, क्या ये संगीत है? या तानों को चीख चीख के लेने वाला, ऐसे ऐसे कर देना और बहुत ज़्यादा करना और बाहरी आडंबर इतने दिखाना जिससे कि सामने वाले को लगे अरे यार क्या बात है, क्या बात है, ऐसे जैसे कि माता आ गई हो आपको, इस प्रकार से कोई चीज़ गाना और एक सुकून में शांति से बैठ कर उस चीज़ को सुनाना, क्या वो संगीत है? इनमें से क्या संगीत है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको ही तय करना है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि दो प्रकार के होते हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो संगीत है? तो खैर, ये तो हो गई हमारी कला की बात कि कैसा आपका एक्सप्रेशन है। अब आते हैं सरस्वती और माँ लक्ष्मी पर। माँ लक्ष्मी यानी धन, धन की देवी क्योंकि माना जाता है, तो धन की बरसात होती है कलाकार पर यह माना जाता है, मगर इस तरह से होती है ये मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। क्या ये लक्ष्मी का अपमान नहीं है?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये भाई होती है भाई, सब लोगों की अपनी प्रथा है, सब लोगों के अपने रिवाज हैं, हर शहर हर प्रांत की अपनी एक रिवायत है कि इस तरह से हम लोग भाई मनाते हैं, हैं भजन संध्याओं में हम तो पैसा लुटाते हैं। लेकिन क्या ये आपको थोड़ा सा सिमिलर नहीं लग रहा डांस बार की तरह? मैं बिल्कुल, प्लीज़ मैं बुरा नहीं मानिएगा, पर देख लीजिए डांस बार में भी तो यही होता है कि वो एक वैश्या है या जो भी है उस पर आप ऐसे करके पैसे लुटाते हैं, और यहाँ भी वही हो रहा है कि आप वो कलाकार गा बजा रहा है और उसके ऊपर बाल्टियाँ भर भर के लक्ष्मी की बरसात कर रहे हैं। इसे बरसात नहीं, इसे अपमान कहते हैं। लक्ष्मी उस कार्य को जो किया इंसान ने, उसकी जो मेहनत लगी, उसकी कीमत है, उस कला की नहीं। वो कला अमूल्य होती है, लेकिन अगर आप एक अमूल्य कला कर रहे हैं तो बात है, वरना अगर आप शोर शराबा कर रहे हैं, पीट रहे हैं, पाट रहे हैं, तो ये करना, अपना पैसे का प्रदर्शन करना, या ये अचंभा लोगों को लगता है अरे वाह यार पैसे की बरसात हो रही है, तो ये अट्रैक्शन मेरे ख्याल से ये ठीक बात नहीं है। ये अपमान है लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, कला का अपमान है ये। और ऐसा बहुत प्रांतों में होता है, शादियों में पैसे लुटाए जाते हैं ना, तो वही यहाँ भी है भाई, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन लोगों का ये कहना होता है कि हम पैसा देकर या लक्ष्मी की बरसात करके हम इस कलाकार की कला को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर क्या ये प्रशंसा है? ये कैसी प्रशंसा हुई कि आप उसके ऊपर पैसों की बरसात कर देंगे? लक्ष्मी पाँव में आ रही है लोगों के, लोग लूट रहे हैं, नोट बिगड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये तो अपमान हुआ। तो प्लीज़ स्टॉप इंसल्टिंग म्यूज़िक। और ये चीज मैं उन लोगों से नहीं कह रहा हूं, उन कलाकारों से नहीं, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं। और आप लोगों से क्यों? आप और हम जैसे जनता, हमारी जैसी ऑडियंस, वो प्रमोट करती है इन चीजों को, क्योंकि हम लोग देखते हैं, मिलियन व्यूज आते हैं इन पर, हम शेयर करते हैं, हम इनके प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। हम अगर चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, हम अगर चाहते हैं कि यार बॉलीवुड में कैसे गाने बन रहे हैं, ये है ना अश्लील शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, धुनें अजीब व गरीब हो रही हैं, रिपीट रिपीट करके वही सेम सेम गाने बनाए जा रहे हैं, रीमिक्स करे जा रहे हैं, स्टार्ट बॉयकॉटिंग देम, उन्हें सुनना बंद कीजिए, उन्हें प्रमोट करना बंद कीजिए, तो अपने आप वो बनना बंद हो जाएंगे ना, सीधी बात है। शराब के ठेके तब तक बंद नहीं हो सकते जब तक शराब का सेवन चलता रहेगा, क्यों बंद करेगा कोई जब किसी चीज़ में फ़ायदा हो रहा है? तो नुकसान उन्हें झेलने तो दीजिए, अपने आप बंद कर देंगे। तो वो वाली बात है, अगर आप लोग इन वीडियोस को, ऐसे कलाकारों को सुनेंगे नहीं, इनके प्रोग्राम्स नहीं अटेंड करेंगे और इस चीज़ का विरोध आप लोग करेंगे, तो ये चीज़ बंद हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये पैसा फेंकना कलाकारों के ऊपर, ये बंद हो सकता है। शोर शराबे को संगीत समझना बंद हो सकता है। ईश्वर की आराधना है, संगीत की उपासना है, अंतर ध्यान से भी हो सकती है, शांति से भी हो सकती है, मौन से भी हो सकती है, और मधुरता से भी हो सकती है, कर्कश चीखने की आवश्यकता नहीं है। आई होप किसी को मेरी बातों का बुरा ना लगा हो, मैंने सिर्फ एक अपना मत प्रस्तुत करने की कोशिश करी है, जो कुछ मैंने जाना सीखा है गुरुओं से वो बांटने की कोशिश करी है, कि मुझे नहीं लगता कि ये कोलाहल संगीत होता है। किसी को बुरा लगा हो तो मेरी तरफ से क्षमा है, और जिसको बढ़िया लगा, जिसने ये वीडियो देखा, आप सभी का शुक्रिया है।